हेलो फ्रेंड्स, लिली फ्लेवर्स में आप सबका स्वागत है। आज लिली फ्लेवर्स में बन रही है सीजनल फ्रूट से मैंगो राइस, और ये साउथ का बहुत ज़्यादा फेमस डिश है। और ये डिश तिरुपति बालाजी टेंपल में भोग लगाया जाता है, और ये साउथ इंडियन वेडिंग में भी सर्व किया जाता है। और इस डिश को साउथ इंडियंस पुलिहारा बोलते हैं। ये बिना किसी झंझट से इजीली बन जाती है। ये साउथ इंडियंस का बहुत ज़्यादा फेवरेट डिश है। अक्सर साउथ में खटास बहुत ज़्यादा यूज होती है। तो सबसे पहले मैंगो राइस के लिए राइस बना लेते हैं। यहाँ मैं 4 कप अरवा चावल ली हूँ। इसे धोकर इसका राइस बनाएंगे। और धोकर चावल और पानी को गैस पर चढ़ा लिया। अब इसमें 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, अब चावल में मिला लेंगे। 2 टेबलस्पून ऑयल। इसे कवर करके 90% कुक करेंगे चावल को। अब चावल कुक हो गया, इसे स्ट्रेन कर लेंगे। अब इसके लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून जीरा, 2 टीस्पून उड़द का दाल, 2 टीस्पून चना का दाल, 2 टीस्पून सरसों के दाने, 1/2 टीस्पून हींग, 4 से 5 हरी मिर्च, कुछ कच्चे बादाम, सूखी मिर्च, कड़ी पत्ता, 2 ग्रेटेड कच्चे आम, सेसमी ऑयल। अब एक कढ़ाई में 100 ग्राम ऑयल, मैं इसे सेसमी ऑयल से बना रही हूँ, आप वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं। ऑयल गर्म होने के बाद पहले कच्चे बादाम को डालकर भूनेंगे। अब इसमें 7 से 8 सूखी मिर्च, इसको भी बादाम के साथ भून लेते हैं। सूखी मिर्च भूनने के बाद ऐसे साइड कर लेंगे। अब इसमें चना दाल, उड़द दाल को डालकर भूनेंगे। अब इन सब का हल्का ब्राउन कलर आने के बाद सरसों के दाने, जीरा दोनों को तड़कने देंगे। कटे हुए हरी मिर्च को डालेंगे, इसको भी हल्का भून लेंगे। अब इन सब को लो फ्लेम में ही भूनना है। नेक्स्ट इसमें करी पत्ता ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसमें हींग को डालेंगे। एक्चुअली ये रेसिपी का मेन है स्टेप बाय स्टेप यही तड़का। इन सबको अच्छे से भूनना है। सबको अच्छे से भूनने के बाद 1 कप ग्रेटेड मैंगो को ऐड करेंगे, इसे भी हल्का भून लेंगे। नेक्स्ट इसमें स्वाद अनुसार नमक, नमक को अच्छे से मिला लेते हैं तड़का में। नमक मिलाने के बाद कुक्ड येलो राइस को ऐड करेंगे। ध्यान रहे फ्लेम को लो रखना है। तड़के के साथ चावल को अच्छी तरह मिला लिया है। अब 1 टीस्पून घी ऐड करें। राइस के साथ घी को मिला लेंगे, घी से इसका टेस्ट बढ़ जाएगी। अब टेस्टी टेस्टी मैंगो राइस बनकर तैयार है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसे 20 मिनट्स बाद सर्व करेंगे। ये देखने में बहुत ही सिंपल है, बट खाने में बहुत ही टेस्टी है। और साउथ में पुलिहारा बहुत टाइप्स की बनती है, मैं जल्दी आपको बताऊंगी। और अब मैंगोस की सीजन है, आप भी घर पर ट्राई करें। ये बनाना तो बहुत ही सिंपल है। आई होप
मेरा ये रेसिपी आप सबको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इससे मुझे मिलेगी इंस्पिरेशन। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे और एक नई रेसिपी के साथ।